Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र के जरिए उन्होंने दो मांग रख दी। दोनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई हैं। पहली मांग है नेताजी की जन्म दिवस यानी 13 जनवरी को नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाए। दूसरी मांग उनकी रहस्यमय तरीके से गायब होने की जांच हो, जो भी नतीजा निकले उसे देश के सामने सार्वजनिक किया जाए। संभवतः आप उस रहस्य से भी वाकिफ होंगे जो नेताजी के अचानक गायब होने के इर्द गिर्द बुना गया। देश और खासकर बंगाल के लोगों का अधिकार है कि वे सच जानें। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही नेताजी से जुड़ी तमाम फाइलें पब्लिक डोमेन में ला चुकी है। केंद्र सरकार से भी हम पिछले कई मौके पर यह अपील कर चुके हैं कि इस मामले से जुड़ी बातें सामने लाएं। हम एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि नेताजी के साथ क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए कदम उठाए और जो भी जानकारी मिले उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके महान लीडर के साथ क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाजा से ये पत्र और इसमें रखी गई ये दोनों मांगें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भी। लेकिन इस खत ने पीएम मोदी के लिए जरूर सोचने वाली स्थिति पैदा कर दी है। अगर वो ममता बनर्जी का कहा कर दे तो श्रेय ममता लूटेंगे कि हमने करवा लिया, और अगर ना करे तो ममता कहेंगे कि देखो इन्होंने ये भी नहीं किया, हमने तो कहा था। लेकिन मोदी जी अमूमन ऐसे चीज़ों में फंसते नहीं हैं और वो आपदा को अवसर में बदलना अच्छे से जानते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी उन्हें घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि वो घेरते नजर आए, ऐसा अमूमन नहीं होता है। देखना होगा कि ममता बनर्जी के इस सवाल पर नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।